अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ तालीम से। दोस्तों आज हम शूट करने आए हैं वापस से द मिल्की वे गोट फार्म पर, और माशाल्लाह बेहतरीन फार्म सेटअप और बेहतरीन क्लीननेस इस फार्म पर देखने मिलेगी आप लोगों को, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पलाई यहाँ पर होती है, और चीज़ें जो आप देखेंगे आज तो बहुत ही अच्छा लगेगा। माशाल्लाह बेहतरीन फार्म है, तो वीडियो जो है वो एंड तक देखें, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिस किसी भाई को वीडियो शूट करवाना हो मेरे चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी जीमेल आईडी दोनों ही मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्राइस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है रिजवान भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म रन माशाल्लाह 2025 के लिए बकरे आ गए? 2025 के भी अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई है, बकरे एंट्री चालू है अल्लाह का करम है। फिलहाल कितने स्पेस अवेलेबल है फिलहाल? अभी क्वारंटाइन जो बना था, जो 2025 के बकरे अपन ले रहे थे वो ऑलमोस्ट फुल है अभी, और 10-15 बकरे अपन अभी 2025 के मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और अभी सेटअप चालू है और काम चालू है माशाल्लाह, आगे काम चल रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो 70 केजेस और नए बन रहे हैं अपने, नए बन रहे तो 2 महीने में इंशाल्लाह वो भी रेडी हो जाएंगे, 2 महीने में वो भी ईद के आसपास में रेडी करेंगे, 2025 के हिसाब से उसको रेडी कर रहे हैं अपन। और यहाँ से अभी जो बकरे जो 2024 को कुर्बानी हो जाएंगे वो भी स्पेस खाली होगा? हाँ, वो भी स्पेस खाली। तो बुकिंग चालू है अभी? बुकिंग भी चालू है माशाल्लाह, 2025 के बकरे आए भी है, अभी काफी बकरे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा इंशाल्लाह लगभग अभी कैपेसिटी अपने फार्म की बढ़ के 450-400 हो रही हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये 1 से 2 साल में इतना प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा, एक अल्लाह का करम है रिजवान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ठीक है, द मिल्की वे गोट फार्म कहाँ पर है वो बता दीजिए? मिल्की वे गोट फार्म महापोली विलेज में है, महापोली गाँव की जो जामा मस्जिद है वहाँ से 1.5 किलोमीटर में फार्म आता है। लोकेशन गूगल मैप पे अवेलेबल है, मिल्की वे गोट फार्म के नाम से भी है और सारा स्टर्ट फार्म के नाम से भी है, आराम से कोई भी अगर लोकेशन लगाता है तो इंशाल्लाह एकदम आसानी से फार्म तक पहुंच, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। और क्या क्या दिखाने वाले हैं आज वीडियो में? हम आज की वीडियो में रिजवान भाई हम लोग 3 खस्सी बकरे बताएंगे और 1 अंडू बकरे बताएंगे। ये जो बकरे है अपने फार्म पे हमारे एक बॉम्बे के फ्रेंड है अनस भाई, उनके बच्चे हैं। अच्छा, तो अनस भाई को उनके 4 बच्चे बताने हैं, ये 4 बच्चे इंशाल्लाह आज हम लोग अपनी वीडियो में सिर्फ 4 बच्चे ये वीडियो में शो करेंगे, जिसमें से 3 खस्सी और 1 अंडू है। सेल के पर्पज से वीडियो, सेल के पर्पज से वीडियो, जो क्लाइंट है आपके उनके बकरे हैं जी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करेंगे पहले बच्चे से, सोजत बच्चा आएगा, और डिटेल वगैरह क्या आएगी बच्चे की? रिजोन में सोजत बच्चा है ये, और आज का लाइव वेट जो हमने अभी किए है ये 70 kg है, 70 किलो आज का लाइव वेट है। 6 दांत पे बच्चा है, 34 की हाइट है। और सोजत में अच्छे सिक्के में अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा, एक क्लीन बच्चा है माशाल्लाह, वैक्सीन वगैरह हर एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह सब हो चुका है माशाल्लाह। कितने टाइम से अपने फार्म पे है ये बकरा? ये बच्चा मेरे ख्याल से 5 महीने कम से कम हुए, 5 महीने से है माशाल्लाह, मतलब एकदम प्रॉपर सेट, टोटल डीवॉर्मिंग वैक्सीनेशन सब हो चुका है, फार्म का सेट बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लेता है ले जाके किसी भी फार्म पे रख सकता है। ईद तक अगर खरीदने वाले को अपने पास पलाई कंटिन्यू करनी है तो अपने पास भी पलाई कंटिन्यू कर सकता है अपने पास जी, चलेगा। क्या डिमांड कर रही है इसका? 45,000, 45,000 रुपये। बच्चा देखिए, क्वालिटी देखिए माशाल्लाह, और अभी 6 दांत पे है जी, पूरा हर जगह से माशाल्लाह भरा हुआ बच्चा। और अच्छी चीज ये है ना डॉक्टर साहब कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पे रुक रहे नहीं है, मतलब प्लेफुल बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेफुल है और पूरे सेट है ना फार्म के माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। छोड़ दो थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे को, माशाल्लाह बच्चा देखिए, ओहो ओहो क्या बात है। तो ये चीज होती है माशाल्लाह, एकदम सेट है, प्लेफुल है, ओह माशाल्लाह। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी 4-5 महीने से फार्म पे सेट बच्चे हैं, तो कोई ऐसा ये नहीं, स्ट्रेस में नहीं है माशाल्लाह, एकदम प्लेफुल होके खेल रहे हैं, चलेगा ओके माशाल्लाह। ये भी फार्म पे तैयार हुए डॉक्टर साहब? ये साथ में दोनों बच्चे एक ही साथ आए हैं, और ये भिवंडी से ही आए हुए बच्चे अपने पास। अच्छा, भिवंडी की आपकी वीडियो पे ही बिके हुए बच्चे है, और अनस भाई ने खरीद के अपने पास पलाई पे भेजे थे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग इस वक्त सेल की वीडियो बना रहे हैं, इसलिए पलाई रिजल्ट्स नहीं बता रहे, लेकिन माशाल्लाह काफी अच्छे चल रहे दोनों बच्चे, अच्छे मतलब माशाल्लाह, देख के समझ में आ जाएगा माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह तैयारी जो हुई है ना भाई, फ्रेम वगैरह जो थोड़ा सा बनाया, बहुत माशाल्लाह बनाया है इसने,
क्या डिटेल पे आएगा ये बच्चा? रिजवान भाई बच्चा भी 6 दांत पे है। हाँ हाँ, अभी का आज का लाइव वेट 90 kg, 90 kg और 38 की हाइट है। 38 की हाइट, 38 की, और माशाल्लाह बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। चीज देखिए, सीना वगैरह बहुत मजबूत है माशाल्लाह बच्चे का, और बहुत अच्छे क्वालिटी का अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा। इसको ही बताओ थोड़ा सा, चेस्ट वगैरह जो है ना बच्चे का माशाल्लाह, तैयारी बहुत माशाल्लाह इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से ये तरफ से भी पैटर्न वगैरह, एक सिंगल सॉलिड जैसे कलर एक पैटर्न का होता है ना, उस तरीके से माशाल्लाह। जो आपके क्लाइंट है इसका पैसा क्या मांग रहे हो? इसका 57,000 किलो का बकरा, 57 किलो, बहुत अच्छा बच्चा, 57,000 रुपए। छोड़ दो ये बच्चे को भी, जा बेटा माशाल्लाह बच्चा देखिए बहुत शानदार और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का माशाल्लाह बच्चा है। ओके माशाल्लाह डॉक्टर साहब, अपने टेस्ट का बकरा है ये अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रीड में माशाल्लाह बहुत अच्छे पैटर्न में, और कान सबसे अच्छी मेरे को चीज लगी ना झालर की, माशाल्लाह एक जैसी है पूरे, और सीने तक झालर है माशाल्लाह। मैं झालर दिखाऊं आप लोगों को माशाल्लाह, ये भी देखिए, ये भी रिंकल है यहाँ पे सीने पे पूरा रिंकल माशाल्लाह, और बच्चे का चेहरा प्योर कोटा बोलेंगे ना तो माशाल्लाह प्योर कोटा। फ्रेम है, हाइट है, सिक्के है, कान है, चेहरा है, पूरा कंप्लीट कोटा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और साफ सुथरा अच्छा बच्चा। ये कब से अपने पास? ये भी लगभग 7 महीने, 7 महीने हो गए, 7 महीने अपने पास हो गए माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसका जो हम प्राइस फारूक के बोलेंगे थोड़ा सा बच्चे को बांध देंगे इसके अंदर, ठीक है? वैसे ही बता दे क्योंकि माशाल्लाह डिटेल्स देते हैं, डिटेल देने के बाद खुटे पे बांध के, हाँ यहाँ बांधते हैं इसको, क्योंकि बच्चे जब अपने आपको दिखाएगा ना बहुत माशाल्लाह बच्चा है ये, और ड्रिल सिक्के में, प्रॉपर सिक्के में माशाल्लाह, दोनों तरफ से कलर पैटर्न वगैरह भी डिजाइन में देखो खूबसूरत है, बहुत अच्छे कलर पैटर्न में बच्चा है, कोटा है, कोटा थोड़ा संभालना पड़ेगा, कोटा है माशाल्लाह। दांत क्या है इसके? 8 दांत, हाँ। नए कर रहा है अभी, 8 दांत पे है बच्चा अभी। हाँ हाँ। और 38 इंच की हाइट है। हाँ। 88 kg, 88 किलो का लाइव वेट है, लाइव वेट है 88 kg, 88 kg, 88 चलेगा। प्राइस बोलता हूँ मैं भाई, इसको बांध दो ना जरा सा, इसको बांध दो खूटे में, तो बांध देंगे जरा, देखेंगे इसको अच्छे से देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बच्चा बहुत प्यारा है। एक बार आप लोग खुला बच्चा भी देख लीजिए, पोजीशन बच्चे का, चेहरा, सीना, सब चीज़ माशाल्लाह। बच्चा देखिए, ओहो, ये देखना चाह रहा था मैं कि बच्चा एग्रेशन दिखाना चाहिए, छोटा शौकीन जो है माशाल्लाह। बच्चा देखिए बहुत माशाल्लाह बच्चा, 88 kg ना, 88 kg लाइव वेट। ये तरफ आ बेटा, तो ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी चीज ये कि जो बकरा निकलता है माशाल्लाह प्लेफुल है अल्हम्दुलिल्लाह, सेट है, यानी बकरा जब सुकून में रहता है, खुश रहता है, तो अपना माशाल्लाह रंग दिखाता है। एक चीज अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे स्ट्रेस में नहीं रहते माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी चीज, ये बहुत जरूरी चीज होती है। क्या डिमांड है इसका? इसका 85,000 माशाल्लाह। चीज देखिए, क्वालिटी देखिए, और बहुत प्यारी चीज है माशाल्लाह, चलेगा। ओके डॉक्टर साहब, ये लास्ट बकरा था कि इसके बाद अभी इंशाल्लाह अपन एक बड़ा सोजत देंगे, वो भी अनस भाई का ही है माशाल्लाह, और जो अभी सोजत बच्चा अपन लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, मैं उसकी रील देखा हूँ, बहुत हैवी वेट पे है शायद अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम पे मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल जो है मिल्की वे गोल्ड फार्म का, उसको उसकी रील डाला था। ये बच्चा अंडू लाया था अपने पास में सोजत में, और 86-85 kg पे बच्चा आया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा 135 kg पे, 135 kg पे है, मतलब खस्सी करने के बाद भी माशाल्लाह उसने अच्छा, खस्सी करने के बाद माशाल्लाह अच्छा गेन लिया, पूरा बच्चा ही चेंज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये भी बोलूंगा आपको, जैसे आपने भी बताए, अगर कोई से भी सौदा होता है उसका, तो उसको भी आप बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो भेज दो, माशाल्लाह दोनों वीडियो तो अपनी रील पे ही है, रील पे जब हमने डाले थे तो 86 kg से कुछ 131 kg पे गया हुआ था। अभी बच्चा एम्प्टी स्टमक 133 का वेट मैंने किया हूँ, खाने के बाद इंशाल्लाह 135 आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो तो 133 की रील जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह जब बच्चा बताएंगे तो अपन और इनको बता देंगे इंशाल्लाह, चलेगा। ओके डॉक्टर साहब, ये 85 kg पे आया था, 86 kg पे अपने पास आया था, kg पे आया था 1 जुलाई को, कितना महीना हो गया पहले? 1 जुलाई को आया था, 10 महीने के ऊपर कुछ दिन हुए, 10 महीना, 4 दिन, 5 दिन, जो भी हो, है ना वो। आज क्या वजन पे आपने बताया?
133 केजी का अभी का मैंने एम्प्टी स्टमक का किया हूँ। इंशाल्लाह रात में फीड के बाद 135 आएगा आराम से इंशाल्लाह। खाली पेट 133 केजी और खाएगा होगा तो 2 किलो 135 केजी अराउंड आ जाएगा। अगर मैं वजन की बात करूँ तो अराउंड ये इसने 10 महीने में, और ये आया था अंडू, इसको आपने पंच करे खस्सी करे और 10 महीने में इसने 50 किलो के करीब का प्रोग्रेस दिया है। 86 से 133 पे गया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बकरा देखिए, खस्सी करने के बाद माशाल्लाह आज फ्रेम जो है, और जो पोजीशन में जब ये बकरा था इसको तो मैं लाइव देखा था जी। जब ये आया था तो हेड रोड पे भी इसके था, यानी आज पे बड़ी रसोली वगैरह थी, लेकिन माशाल्लाह अगर बिफोर और आफ्टर की वीडियो बनाऊंगा तो शायद कितने लोग तो यकीन भी ना करे इसको। ये वो बकरा नहीं है, वो दूसरा था और ये दूसरा है। इसको अपने फार्म पे जितने भी कैटेगर्स है वो टोपी वाला बकरा बोलते थे। हाँ हाँ टोपी वाला बकरा, क्योंकि सर पे उसके एक बड़ी रसोली थी वो टाइम पे। बहुत अच्छा माशाल्लाह इसके अंदर चेंजेस आए और बहुत माशाल्लाह आज बेहतरीन पोजीशन पे खड़ा है बच्चा जी। 8 दांत पे बच्चा है, व्हाइट आईज में है, व्हाइट आईज हैदराबादी सुजात क्रॉस है, लेकिन बहुत बड़े फ्रेम का बकरा है माशाल्लाह। पैर वगैरह हर एक जगह से माशाल्लाह कम्प्लीट, मतलब जो अनस भाई हैं जी, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि माशाल्लाह परख भी उनकी अच्छी है, अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, यानी फ्यूचर क्या जाएगा बकरों का जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये चीज है, एक्चुअली खुद ही आके वीडियो बनाना चाहते थे। हाँ, लेकिन हमारी वीडियो जो एक दो दिन लेट हो गई उसमें वो मुंबई से बाहर चले गए। अच्छा, मैं तो उनका ऐसा प्लान था कि वो खुद खड़े रहकर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। सही है, छोड़िए बकरे को, मैं सीना वगैरह इसका दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बच्चा, मतलब बच्चा देखिए बहुत प्यारी चीज है माशाल्लाह हर जगह से। और लाइव अगर देखो, मैं ये बोलूंगा वीडियो में हम बता रहे हैं, वजन भी बता दिया आप लोगों को, लेकिन ये बच्चा लाइव देखने से चीज है माशाल्लाह। बच्चा देखिए शाबाश, चीज क्वालिटी साफ सुथरा एकदम माशाल्लाह बच्चा। पैर तो माशाल्लाह अगर देखा जाए पैर बहुत मजबूत, बहुत हैवी मजबूत पैर का, और अभी भी माशाल्लाह एक्टिव डिजाइन पे चलता है। मतलब ये पैर भी हर बकरे के नहीं रहते, जो इसके पैर है ना 133 केजी पे भी माशाल्लाह इतना एक्टिव है बच्चा देखिए। आस्किंग प्राइस क्या है इसकी? 1,35,000। रिजोन में प्राइस ऑलमोस्ट नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छे वेट पे बच्चा खड़ा है। दांत भी एक बार बता देना कि बहुत जूने दांत वाला बच्चा नहीं है, नए दांत का है, आठ दांत का बकरा है, फ्रेश एकदम आठ दांत का बच्चा माशाल्लाह एकदम। उनका एकदम फाइनल जो देने का अमाउंट उन्होंने बोले है वो 1,35,000 है, तो हम लोग एकदम फाइनल अमाउंट ही कोट कर रहे हैं, तो ये जो भी अमाउंट है नॉन निगोशिएबल रहेगा, नॉन निगोशिएबल रहेगा जी भाई, चलेगा। और कुछ बताना है डॉक्टर साहब? एक इसके बाद ये वीडियो जो अनस भाई के बच्चे अपन ने चार बताए हैं इसको क्लोज करते हैं, और दो तीन एक और अलग बकरे हैं दूसरे ओनर के, इंशाल्लाह उनके एक अलग वीडियो बनाते हैं। ओके, तो वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।